तो जब भी हम वर्ल्ड की लीडिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सीखने के बारे में बात करते हैं तो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं जिनका फ्यूचर में भी काफी अच्छा स्कोप है। उन्हीं में से एक लैंग्वेज है सीक्वल, जो कि एक क्वेरी लैंग्वेज है। सीक्वल, जिसका फुल फॉर्म स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है। तो अगर आप एज ए फ्रेशर हो या आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से हो तो सीक्वल एक ऐसी लैंग्वेज है जिसे आपको जरूर लर्न करना चाहिए। और ये एक इकलौती एक ऐसी लैंग्वेज है जिसमें एक्सपर्ट होने के बाद आप 15 डिफरेंट डिफरेंट जॉब प्रोफाइल पर मूव कर सकते हैं। तो अगर आप आईटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं या स्विच करके आईटी में आना चाहते हैं नॉन आईटी से, तो सीक्वल आपको जरूर सीखनी चाहिए। ये एक मस्ट लैंग्वेज है। और सबसे बड़ी बात, ये टफ नहीं है, ये काफी इंटरेस्टिंग है। और इसी वजह से सीक्वल इज द हाईएस्ट पेइंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो समझते हैं क्यों सीक्वल है एक हाईएस्ट पेइंग क्वेरी लैंग्वेज। नंबर वन, सीक्वल इज एवरीवेयर। सीक्वल मोस्टली हर मेजर आईटी कंपनीज में यूज की जा रही है। आज हमारे पास ऊबर से लेकर नेटफ्लिक्स, एमेजन जैसी ऑन डिमांड सर्विसेज हैं। यहाँ तक कि फॉर्च्यून 500 कंपनीज जिन्होंने अपने हाई परफॉर्मेंस डेटाबेस फेसबुक, एप्पल, गूगल, एमेजन जैसे बिल्ड किया हुआ है, वो भी अक्सर डेटा की क्वेरी करने और एनालिसिस करने के लिए सीक्वल का ही यूज कर रही है। और केवल टेक कंपनीज ही नहीं, और बड़ी कंपनीज अपने लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा यूज के कारण सीक्वल पर ज्यादा भरोसा करती है, जिस कारण से सीक्वल और डेटा से रिलेटेड काफी जॉब्स मार्केट में निकलती रहती हैं। नंबर टू, हाई इन डिमांड। जैसे जैसे जॉब्स बढ़ रही हैं, वैसे ही सीक्वल का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपका इंटरेस्ट डेटा में है। तो अगर आपको आईटी में स्विच होना है या आईटी में करियर बनाना है तो आपको ऐसी स्किल्स या ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करनी होगी जिसकी जरूरत कंपनीज को या एम्प्लॉयर को है। सबसे ज्यादा डिमांड वाली जॉब प्रोफाइल्स डेटा एनालिटिक्स, डेटा इंजीनियर, डेटा साइंस, ETL आ जाती है। तो सीक्वल की ऐसी काफी सारी लिस्ट है जिसमें आप अपना करियर मूव कर सकते हैं। ऐसी 15 से ज्यादा जॉब प्रोफाइल्स है। इसमें सीक्वल DBA, सीक्वल डेवलपर, डेटा साइंटिस्ट, ETL डेवलपर, BI डेवलपर, बिग डेटा एक्सपर्ट, डेटा एनालिस्ट, BI एडमिनिस्ट्रेटर, सीक्वल ट्रेनर, AWS एक्सपर्ट, डेटाबेस इंजीनियर, डेटाबेस माइग्रेशन इंजीनियर, रिपोर्टिंग इंजीनियर, BI सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, नो सीक्वल DBA, बिग डेटा आर्किटेक्ट, सीक्वल सर्वर राइटर। तो ये थी ऐसी जॉब प्रोफाइल जिसमें अगर आप सीक्वल में एक्सपर्ट हो जाते हैं, अच्छा नॉलेज ले लेते हैं, तो ऐसी इन सारी प्रोफाइल्स में आप स्विच कर सकते हैं, जो कि हाईएस्ट पेइंग जॉब है इंडिया में। एलिजिबिलिटी पे आ जाते हैं तो ग्रेजुएशन मस्ट है। आपने कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन कर रखी हो या आपने इंजीनियरिंग कर रखी हो किसी भी ब्रांच से, तो आप सीक्वल में या इन प्रोफाइल्स पर जा सकते हैं। अगर आप नॉन आईटी बैकग्राउंड से आपने BSc, BA, MS, MA कर रखा है, तो आप मास्टर डिग्री करें कंप्यूटर साइंस में, उसके बाद इस फील्ड में अगर आप मूव करेंगे तो ज्यादा बेस्ट होगा आपके लिए। सैलरी पे आ जाते हैं तो 20,000 से 50,000 एज अ फ्रेशर को सैलरी मिल जाती है। वही अगर हाईएस्ट सैलरी की बात करें तो 50 लाख पर ईयर की सैलरी मिल जाती है। काफी सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां से आप सीक्वल फ्री में सीख सकते हैं, आप यूट्यूब से सीख सकते हैं। काफी सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर हैं जो सीक्वल के बारे में बताते हैं, उसका कोर्स भी आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे। आप इंटरनेट से लर्न कर सकते हैं। अगर आप पे करके सीखना चाहते हैं तो आप यूडीमी, कोर्सेरा जैसे प्लेटफॉर्म से सीक्वल के बारे में सीख सकते हैं। आप गूगल यूडीमी, कोर्सेरा से सर्टिफिकेशन कर सकते हैं और इस सर्टिफिकेशन को आप अपने रेज्यूमे में यूज कर सकते हैं, जिससे आपका रेज्यूमे दूसरे से हटके आपको एक अलग हटके दिखाएगा, जिससे आपको जॉब मिलने में काफी आसानी हो जाती है। Why SQL is a high paying programming language? देखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख रहे हो, लेकिन अगर आप एक ऑसम मोबाइल एप्लीकेशन या वेब एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो उसमें डेटाबेस जरूर होता है। गूगल, नेटफ्लिक्स, माइक्रोसॉफ्ट, एमेजन, मेटा जैसी टॉप कंपनीज भी सीक्वल का यूज कर रही हैं और सीक्वल प्रोग्रामर को हाई सैलरी पे कर रही हैं। इसीलिए 2022 और आने वाले सालों में सीक्वल एक हाई पेइंग जॉब रहेगी और इसकी जॉब्स भी काफी ज्यादा निकलती रहती हैं। और एज ए फ्रेशर के लिए भी काफी ज्यादा बेनिफिट है सीक्वल सीखने में। तो अभी अगर आप एज ए फ्रेशर जॉब सर्च कर रहे हैं या किसी और लैंग्वेज को भी लर्न कर रहे हैं तो आपको सीक्वल जरूर सीखना चाहिए। तो ये था आज का वीडियो। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें। मिलता हूं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।